नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं एक बार फिर से फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कविता कौशिक और एली गोरी के बीच में कितना बड़ा झगड़ा हुआ, कितना बड़ा लफड़ा हुआ, ये बात तो हम सब जानते हैं। ऐसे में कविता कौशिक के हस्बैंड मिस्टर रॉनिक बिस्वास, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, एक ऐसी बात जो आप लोगों को बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। एली पर एक्शन भी हो सकता है दोस्तों, उस पर कंप्लेन दर्ज भी की जा सकती है। सबसे पहले आपको बता दूं तो क्या कहते हैं यहां पर वो, रॉनिक कहते हैं, टीवी पर साफ नजर आ रहा था कि एली गोनी कितनी बुरी तरह से कविता कौशिक से भिड़ रहा था। अगर एक आदमी महिलाओं के साथ इस तरीके का बर्ताव करता है तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि उसके दिमाग में कोई दिक्कत है। एली गोनी जैसे लोग महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन उनका गुस्सा इससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इस पर दोस्तों वो आगे भी कहते हैं, बिग बॉस के घर में हंगामा करने के लिए एली गोनी को केवल नॉमिनेट किया गया। क्या बिग बॉस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एली गोनी बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचाए? ये एक बड़ा सवाल है। मेरे हिसाब से एली गोनी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, वो कविता कौशिक के लिए खतरा है। और पति होने के नाते मुझे एली गोनी का बर्ताव जरा भी पसंद नहीं आया। साफ तौर पे दोस्तों रौनक जो है वो बहुत ज्यादा खफा हैं और वो चाहते हैं कि बिग बॉस एक्शन ले। सिर्फ इस तरीके से घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट करके कुछ नहीं चलेगा, एक स्ट्रिक्ट एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। वेल दोस्तों, इस बारे में तो सलमान खान ही ज्यादा बेहतर बताएंगे हमें वीकेंड के बाद पे। आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूल्स, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूल्स।